एकत्रित हुए हैं तो सब कुछ देखे सुने। हाँ जी बाबू आइए बताइए बोलिए। हाँ सर, आपको हम कभी नहीं सोचे थे आपसे बात होगा। मेरे लिए बहुत बड़ा मैंने दिन है, दीपक सर के लिए मेरा ये संभव हुआ है। दीपक सर कलाकार का मर्यादा मेरे लिए बहुत बड़ा बात है सर, और हम सरकारी जॉब छोड़ के आए हैं सर, आपको इतना मानते हैं, सिर्फ बिहार में आपका फैन नहीं है। मेरा भी एक बात सुनो, एक सेकंड सुनो, मेरा भी सुन लो। हम भी कभी नहीं सोचे थे कि आप लोग मुझे ऐसे स्थान पर बिठाएंगे। थैंक यू सो मच। हम भी कभी नहीं सोचे थे कि हमको 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 आप लोग ऐसे स्थान पर बिठाएंगे। अरे थैंक यू बाबू। सर आपको भगवान मानते हैं, भगवान को सब कुछ देखता है, आपको मैंने कुछ क्या बोलेंगे सर। दीपक सर हमको इतना बड़ा मौका दिया है आपसे बात करने का, बहुत खुश है, बहुत ज्यादा खुश है। नौकरी छोड़ के सर आपके पास आए हैं, आपसे बात होगा, कभी नहीं मत कभी नहीं सोचे थे। ना तो नौकरिया मत, नौकरिया मत छोड़िए। नहीं 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 करना है। बिहार में रहना है, भोजपुरी इंडस्ट्री में रहना है, आपका गाना सुनना है, आपका काम देखना है, आपको मानना है बस। ठीक बात तो सब करना है बट अपना जॉब नहीं छोड़ने का। कभी भी अपन क्या बोले उसको, हाँ रोजी रोटी पे ध्यान रखते हुए आप आपको शौकिया अगर करना है तो आप बिल्कुल करिए, हम आपके साथ काम करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू बाबू, थैंक यू। मुझे तो लग रहा है कि फोन पे यार आप ऐसे कहेंगे कि आप आई हो नौकरी छोड़ के आपके साथ काम करेंगे तो बहुतों की नौकरियां छूट जाने वाली है। लेकिन मैं अगर नौकरी की बात करूं और सम्मान की बात करूं तो मुझे लग रहा है कि पवन जी से ज्यादा कोई नहीं दिलवाता, कोई नहीं दिलवाता। तो ये पावर स्टार ऐसे थोड़ी कह रहे हैं, कोई आपको सर पावर स्टार कहता है, कोई पवन भैया कह रहे हैं, कोई हमारे यहाँ कह रहे हैं भाई हेलीकॉप्टर का सीना चीड़ के हम लेके देखेंगे बाप पवन सिंह के। तो ये प्यार है और आज मैं ढेरों सारी पवन भैया आपको बधाइयां देना चाहूंगा क्योंकि इतने यूट्यूबर एक बार में और सिर्फ पवन जी के लिए यहाँ पे आए, ये अतुलनीय है, इनक्रेडिबल है। सो एक बार पुनः यहां से आपका अभिनंदन है, हमारे प्रोड्यूसर साहब का स्वागत है, अभिनंदन है, जो इस फिल्म की हीरोइन है जानवी दुबे जी, आपका स्वागत और अभिनंदन। तो आइए कुछ इंटरेक्शन हमारी यूट्यूबर और हमारे जो प्रैक्टिकल मीडिया वाले हैं, जो पॉजिटिव मीडिया वाले हैं, इनके साथ हो जाए प्लीज। भैया चलिए, भैया सबसे पहले तो आप लोग, आप जो हमारे हम यूट्यूबर को सम्मान देते हैं, भैया मैं गौरी शंकर भोजपुरी नेशन से हूँ और आप जो इतना यूट्यूबर्स को सम्मान देते हैं इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। क्योंकि हम यूट्यूबर मेहनत करते हैं, दिन रात नहीं देखते हैं, बारिश नहीं देखते हैं, कभी स्टेशन पे सो जाते हैं, कभी पैदल जाते हैं, गाड़ी नहीं मिलता है, लेकिन आप जो इस यूट्यूबर को सम्मान देते हैं उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और आज मैं ये बोलते हुए भावुक हूँ कि हम जो यूट्यूबर है, मैं कलाकार के लिए सब कुछ करते हैं, कलाकार को क्या भैया, हम कलाकार को आगे नहीं बढ़ाते हैं, अगर हम यूट्यूबर कवरेज करके उस कलाकार को दिखाते हैं, हर एक एक्टिविटी दिखाते हैं और घर घर में दिखाते हैं, हर एक न्यूज दिखाते हैं, लेकिन भोजपुरी में इज्जत नहीं मिल पाता है। स्टार जाते हैं तो कोई स्टार बोलता है, अरे तुम तो दोस्तों का माइक उठा के आ जाते हो, मुंह उठा के आ जाते हो, क्या हम लोगों को इज्जत मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, हम यूट्यूबर्स को सम्मान मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। सुन, और आपने दिया। अरे पगला सुन, तो भाई तो होने के साथ है बा ना। ये तो है भाई। सबसे पहले हम भी दो बात बोलते हैं, इसके बाद हम सब भाई मिलके बात करेंगे। मेरी आवाज जा रही है ना? यहाँ पे हम सब मौजूद हैं, बैठे हैं, हमारे दाहिने साइड में सिनेमा आर्ट्स जो YouTube का चैनल ओपन हुआ है, भैया उसके मालिक हैं हमारे बड़े भाई अभय सिंह जी, और ये लेफ्ट साइड में हमारे यश भैया बैठे हैं, ये भी मालिक हैं, और आशीष पांडे जी बैठे हैं, ये भी मालिक हैं, ये जानवी दुबे जी बैठी हैं जो इस गाने में काम की हैं,
और भी मित्र लोग बैठे हैं क्या? जी भैया, हम सब अपने मान लगे भाई ना बोला था। और मैं आपका भाई पवनवा बैठल बा। तो क्या है ना, कभी जैसे गाड़ी में हम बैठी ला कहीं दूर जाए के होला ना, तो हम जैसे गाना रिलीज होला चाहे इंस्टा पे हम कुछ पोस्ट करी ला या अपने पेज फेसबुक से ना, तो मैं कमेंट पढ़ता हूँ, कमेंट पढ़ के मन गदगद हो जाता। और कहीं भी आदमी जाता है तो हम और दीपक जी ही गाड़ी में या रूम में बैठ के हम लोग बात कर रहे थे कि ब्रदर हम लोग जाते हैं आशीर्वाद देने के लिए, इतनी भीड़ इकट्ठा होती है वहां पे, जो हमारे YouTube जो हमारे भाई लोग आप लोग चलाते हैं, किसी से बात हो पाती है धक्का मुक्की में, किसी से नहीं हो पाती है कि वो धकेला जाता है कि वो बांकी में गिर जाता है। तो अब तक तो इतना काम हुआ और जब तक जिंदगी रही तो हम लोग के आशीर्वाद से काम तो होते ना रही। तो हम लोग ये सलाह किए ना कि हाँ ये जो भाई जो हमारे लिए इतना सही भाई, वो कौन सा लड़का था जो मेरे से बात किया? गौरीशंकर। ठीक ना, तो हम लोग यही सोचे कि हम लोग भाई इतना सारा काम किए, कुछ और सोचा जाए। तो हम दीपक भाई, आपने हम दीपक भाई और भैया लोग यही ये किए कि भैया ये जो लड़के हैं, ये जो हमारे भाई हैं, कलाकार के बारे में इतना सोचना, दिन रात यहाँ गिरना, वहां धक्का खाना, कहीं टाइम पर खाना मिल ना मिलल, लेकिन हर बात का न्यूज बनाना, प्रशंसा करना, उसके लिए तो सबसे पहले आप सभी को दिल से थैंक यू। जो आप लोग इतना मेहनत करते हैं, आप लोग अपने जीवन में बहुत बहुत आगे बढ़िए। तो आज हमने कुछ नहीं किया है, ये आप लोग कभी मत सोचिएगा कि पवन सिंह ने कुछ किया, नहीं, ये मेरे अंदर एक श्रद्धा है जो मैं चाहता हूं कि हर बार हम सब भाई एकत्रित हों, इकट्ठा हों। और आप लोगों से हम सॉरी भी बोलना चाहता नहीं कि आप आज हम आप सबके बीच में बानी ना, लेकिन हमारे दीपक भाई हमको रास्ता बताया कि ब्रदर क्या है ना भाई, किसी का फिल्म चल रहा है यहाँ पे, एक फिल्म कर रहा हूँ जिसका नाम है जियो मेरी जान, एक्शन किया दिन भर, अभी आप लोगों से बात कर रहा हूँ, फिर जाकर रात भर शूट करूंगा। तो किसी का नुकसान करके अगर हम कहीं जाएंगे तो ये भी अच्छी बात नहीं है। तो हमको दीपक की रास्ता बताया कि भाई ऐसे ऐसे ये है कि हम आप लखनऊ से ही अपने भाइयों से मिल लेंगे, अपने भाइयों को देख लेंगे, और आज हम आप सबके बीच में बैठल बनी, आप सबके देख रहा बनी, आप सब इकट्ठा भइल बड़ा जा, ये देख के हमारा बहुत खुशी होता। थैंक यू सो मच, आप सारे भाई इकट्ठा हो। बहुत बहुत धन्यवाद बोलन भैया। एक और हमारे मीडिया कर्मी यहाँ भी मौजूद से हैं, सत्यजीत भाई हैं, इनके पास भी कुछ चंद सवाल है आपके लिए, सो मैं निवेदन करूंगा सर आप सभी से। सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप इतना ब्लॉक क्लस्टर, इतना मतलब आपका अभी 1-to-1 बैक टू बैक आपका सॉन्ग आ रहा है, इतनी चीजें आ रही है, वो चीजें देख के हम लोग इतनी ज्यादा एनर्जेटिक हो रहे हैं, इतना अच्छा आ रहा है, तो हम लोग बहुत ही बहुत हम खुश हैं सर, और बहुत ही अच्छा लग रहा है इस तरीके का आपका अच्छे से आना और परफॉर्मेंस आपका हो रहा है। और दूसरा चीज सर, एक मेरा एक सवाल रहेगा, अभी एक सर एक ऐसा लड़का जो जो आरा से उठ के आरा से आके जिसके पास एक साइकिल तक एक नहीं था, जो स्ट्रगल की बात हम कर रहे हैं, एक साइकिल तक नहीं था, वो लड़का आज वहां पे हेलीकॉप्टर से जाके और वो अपना परफॉर्मेंस करता है, अपना वहां पे शो परफॉर्मेंस करता है, कैसा अनुभव रहा था, थोड़ा सा आपसे हम जानना चाहेंगे इसके बारे में। मैं देखो ब्रदर, मैं शुरू से यही मंच पे बोलता हूं और आजीवन यही बोलूंगा, मैं सिर्फ काम करता हूं, जीवन में बहुत मेहनत किया हूं, कर रहा हूं और आजीवन करूंगा। बट एक साइकिल से जो लड़का अपना जीवन शुरू किया है, आज ऐसे ऐसे स्थान पे बैठ के आप लोगों से बात कर रहा है, तो मैं जो कुछ भी हूं या जो कुछ भी बन पाया हूं,
ये हमारे ऑडियंस का आशीर्वाद है और आप लोगों का साथ है, आप लोगों का प्यार है। बाकी इस पे मैं यही बोलूंगा, नेचुरल बात कि जब कोई भी इंसान जगह बगली में हमके वो समय याद पर कि हम 10 रुपया चलोले रहे अपना घर में क्या खरीदने के लिए। एक बार पढ़े बैठा रहे, हम 6ठा क्लास में रहे, क्षत्रिय स्कूल में आ रहा, तो एक बेचने के लिए वो क्या वो टिश्यू पेपर जैसा था और नील लगा के देवलिया पे कुछ ये किया तो उसमें मोर बन गया, तो उसको क्या बोलते हैं उसको ट्रेसिंग पेपर। अब वो क्या हमारा मन के रस के हम की ना पैसा आइए नहीं के हम एक दिन डेरा पे देख ली कि रानू भैया हमारे सबसे बड़े भैया है, उनका रखा हुआ किताब में 10 रुपए मैंने देखा था कि हाँ बा वो दिन मुझे याद है ब्रदर। और दुनिया की मतलब वो पैसा लेके हम वो चीज खरीदे थे भैया, आप बेटा टलाऊ राम की शायद मन राम, तो खैर वो मार नहीं है, वो प्यार है, वो आशीर्वाद है कि आज वही मार यहां तक पहुंचाया। तो जीवन में कोई भी तरक्की करता है बेटा तो उसको खुशी बहुत होती है, उस खुशी का कोई अंदाजा नहीं हो सकता है। बस यही मेरा एक भाव है, खुश हूं और आप लोग ही खुश रखें तभी मैं खुश हूं। बिल्कुल सर, यही तो है सर, आपका प्यार और आपका आशीर्वाद जो है यही तो हम लोगों के लिए, और भी एक आप जो आपका जो इमेज है वो ऑलवेज आपके लिए हमेशा अच्छा लगता है कि आप इतने अच्छे से चीजों को बताते हैं और जो आपका लाइफ जो स्ट्रगलिंग लाइफ और इतना आज जो आपने मुकाम हासिल किया है वो देख के एक बहुत ही अच्छा वो लगता है कि भैया आप हम यूट्यूबर्स को इतना सम्मान देते है ना, आज भोजपुरी में फिर एक नया लकीर खींचा गया भैया, सच कह रहे हैं, आज जिस तरह से हम यूट्यूबर्स को यहाँ पे बुलाए हैं, इज्जत से इतना सम्मान दे रहे हैं ना, मुझे लगता है कि आज फिर से लकीर खिंचाया है और भोजपुरी का हर एक कलाकार हर यूट्यूबर को अब इसी तरीके से सम्मान देगा जिस तरीके से आज आपने सम्मान दिया है हम यूट्यूबर्स को, इसके लिए मैं आपका आभार हूँ भैया। इन्होंने कुछ देर पहले पवन भैया बात कर रहे ये कर रहे थे कि और जो लोग आर्टिस्ट हैं वो बोलते हैं हम यूट्यूबर को कि 300 रुपए का माइक लेकर, आज आपने जो बात कही है कि आज से लगी थी जाएगी, आज से पक्का कह रहा हूँ उस माइक की कीमत वो समझेंगे कि इस माइक की कीमत पावर स्टार समझते हैं। मैं चाहूंगा और हर लोग इतने एक्साइटेड है सर आपसे बात करने के लिए, ये बगल से बस कुंडी मार रहे कि मेरे को दीजिए। खैर आपकी मौजूदगी अगली आवाज यहां से मैं लेना चाहूंगा, नाम और सवाल जल्दी से जल्दी प्लीज, क्योंकि सबको इंटरेक्शन करना है। पवन सर सबसे पहले नमस्कार, मैं मनचाहा न्यूज से अंकित। नमस्ते भाई, बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है सर, बैक टू बैक आपके सारे गाने आ रहे हैं और जब जब आपके गाने आते हैं तो सर मिलियंस फैंस इंतजार करते हैं, हमें 3 महीने पहले आपके गाने सुनने को नहीं मिल रहे थे और फैंस लगातार सोशल मीडिया पर कह रहे थे कि पवन भैया के गाने नहीं आ रहे। भैया बहुत अच्छा लग रहा है कि आप बैक टू बैक अच्छे गाने ला रहे हैं और आपकी वॉइस की हर कोई कीमत समझता है और भोजपुरी को प्राउडफुल भी कराता है, तो भैया कैसा लग रहा है कि जब आप लगातार अच्छे गाने ला रहे हैं, पब्लिक बहुत ज्यादा प्यार दे रही है, तो आप क्या कहना चाहते हैं उन लाखों फैन को जो लगातार आपको सपोर्ट कर रही है और प्यार भी दे रही है। एक कलाकार जब मेहनत करता है बाबू, और जो हमारे श्रोता मेरे लिए भगवान है, भर भर के प्यार मिलता है मिल रहा है, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और सबसे पहले क्या मतलब, मैं एक बात बता दूं आप सभी से, जिसके जीवन में वो आप लोगों के सामने आप लोगों के बीच में खड़ा है ना, जिसका नाम दीपक सिंह है, दिख रहे हैं ना दीपक सिंह तो जिस अरे यार, एक कलाकार जिस कलाकार के जीवन में दीपक जैसा दोस्त है उसका नाम है दीपक है, उसके बारे में ज्यादा बोलना क्या है। मेरा भाई मेरा मित्र, वो खुद इतना एनर्जेटिक इंसान है,
इतना पॉजिटिव इंसान है, कभी भी किसी भी मोड़ पे कैसे भी रहिए। और ये मैं अपने भाई के सामने, दोस्त के सामने जाता हूँ, दो मिनट में बात करके भाई मुझे हल्का करते हैं। और देखिए, जब से मेरा भाई अपने हाथ में पवन का क्या बोलते हैं, पवन का रस्सी जब पकड़ा है, देखिए धमाल पे धमाल हो रहा है। और पवन भैया, मुझे लग रहा है कि दुनिया में एक ऐसे मात्र दीपक है जो कि पवन के बहने से और खुश होते हैं। पवन के बहने से दीपक बुझ जाया करता है, लेकिन पवन ये जितने बहते हैं आपकी खुशी उतनी ही बढ़ती है। तो ये दोस्ती है, और ये पवन जी के लिए कहना चाहूंगा कि ये ऐसे मात्र एक पवन है जो कि दीपक को कोई बुझने नहीं देंगे। ये चीज है सर, तो ये दोस्ती का मिसाल ऑलवेज ऑलवेज बरकरार रहे। कुछ और सवाल यहाँ से पास में हमारे भाई है, प्लीज फटाफट। सबसे पहले तो भैया का प्रणाम, हम आपके छोट भाई सुबह अपने ऑफिशियल चैनल से बोलते हैं भैया, प्रणाम प्रणाम करे भैया। हमारा सवाल रहे कि एक बहुत पहले स्टेज शो के दौरान मनोज तिवारी भैया भी कह रहा कि पवन तू बाकी सिंगर खाती संकट पड़ा, तो आज वो देखने को साफ मिल रहा है कि जब से पवन भैया ने एक्सेलरेटर पर पांव रखा है, बाकी सिंगरों को पानी चढ़ रहा है, तो कुछ लोग डिप्रेशन में है कि पागल जैसी बातें कर रहा है, तो पवन सिंह इतने एक्टिव हो गया है, इसको लेकर पवन भैया क्या कहना चाहेंगे? देख, मंच में भी एक बार हम बोले थे, हम किसी का नाम तो लेते नहीं है, आजू जॉन हमारे हीरोइन बाड़ी फिल्म में बैठा रह लिया, सेटअप पे हम कह रही है, देखा कितना शांत बैठल बनी है, केव के बारे में हम कुछ बोल नहीं है, किसी का चर्चा किया, बट फिर भी पवन सिंह कंट्रोवर्सी में। तो का कर बे, हम बैठा रही शांति से, तब वो कहने का है, कौन क्यों यार होने से थी करी है, कौन यार रहने से थी करी है, कभी कभी संकीला, अभी अच्छा मूड में बैठल बनी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस हम मेहनत करते हैं, ना ही हम उस चक्कर में रहते हैं कि हम केहू के डिस्टर्ब करें, नहीं, जो कलाकार, जो इंसान के बारे में, जो इंसान के लिए जो भगवान उसके किस्मत में लिखे हैं, ना किसी के आने से उसका छीनेगा, ना किसी के जाने से किसी का छीनेगा। हर कोई अपने जीवन में खुश रहे, हम भी खुश हैं, बाकी हमारा पूरा समाज खुश रहे, हम लोग एक परिवार है, हम लोग हंस खेल के काम करें और विकास करें, आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। भैया एक सवाल रहेगा, भैया पवन भैया एक सवाल रहेगा आपसे, जो फराक फाटल बाद जिस गाने के बारे में हम लोग इंतजार में बेसब्री से बैठे हैं, इस गाने के बारे में आप दो लाइन कुछ बोल दीजिए। गाना इतना बड़ा हिट है और मार्केट में लगा और ट्रेंडिंग में भी आ गया है रील्स पे। अच्छा लगी, तुम कब हमसे मिले थे जी? पता नहीं कब मिलल हमसे, ऐसे कहूं करवा देनी, कहां मिले थे जी? भैया पियर फराक के लॉन्चिंग में। अच्छा हाँ, कहीं कहानी है ना कि हम गाड़ी में बैठी ला तो हम हर चीज सर्च करी ला जितना आवे ला। जी 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 भैया, उसमें इसका फोटो देखा, मुझे अच्छा लगा, मैंने भाई को बोला कि भाई पता करिए तू ये लड़की कौन है, क्योंकि मुझे सिर्फ अच्छे काम से मतलब होता है, ठीक ना, हम कुछ एक्स्ट्रा बोलते नहीं है और बोलेंगे भी नहीं, बट ये लड़की मुझे इससे बात किया कि बेटा काम करोगे आप? हाँ सर, ठीक है, चलिए ये गाना रेडी है, ये गाना आप कर लीजिए। भैया के चैनल सिनेमा आर्ट से गाना रिलीज हुआ, पवन सिंह के जानवी दुबे काम पीले बड़ी है गाना में, प्रियांशु मेरा छोटा भाई इसमें म्यूजिक दिया है, इतना अच्छा मेरा छोटा भाई लिखा है, दीपक भाई ने इस प्रोजेक्ट को सजाया है। तो बस गाना रिलीज होता, भर भर के प्यार आप सबके ऑडियंस के मिल रहा बा, सुबह में बोले के का बा, सब बम बम बा। पब्लिक एंटरटेनमेंट से प्रियांशु सिंह बात कर रहा हूँ, पवन सिंह जी, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में किसी का गाना 100 मिलियन 200 मिलियन जाता है और आपका डायलॉग रील्स पे इतना ज्यादा वायरल होता है। एक सेकेंड रुक, हमारे शूटिंग ऑफ डे के काम खत्म हो जैसे हम होटल आओ तो नहीं, इंस्टा पर देखनी है तो
इंस्टा की यूट्यूब खोलनी है तो आज तो औरों पे तक नहीं आ शुभम के साथ। शुभम कुछ बोल रहा था, शायद तुम भी वीडियो कॉल पे या पता नहीं किस कैसे जुड़े थे, आप ही दिख रहे थे। हाँ आगे बोलिए। तो कौन सी थी, मेरा सवाल आपसे, किसी का गाना 100 मिलियन 200 मिलियन नहीं जाता और आपका एक डायलॉग या कौन सी वो बेटा मूड बनने में टाइम करता है इसका नाम के आगे जी लगाओ, ये 200 मिलियन 300 मिलियन रील्स पे चला जाता है, तो ये अपने आप में एक लकीर है और भोजपुरी इंडस्ट्री में लकीर बनाने का काम पवन सिंह जी ही करते हैं, ये आपने तय कर दिया और आप ही करेंगे। अरे हम कुछ ना करीला, सब हमार जो भोजपुरी पूरा परिवार बा, आप लोग मानी जा, आप सब करीला जा, हम तो काम करते हैं लेकिन आप लोग उसको इतना सराह देते हैं कि वो छा जाता है। एक सवाल पवन सिंह जी आपसे और है। हाँ जी। जब से इवेंट स्टार्ट है, लाइव कॉन्फ्रेंस स्टार्ट है, तब से दीपक सिंह जी के आंखों में आंसू दिख रहा है और मैं बता दूं कि जनवरी 22 जनवरी 2023 से दीपक सिंह जी आपसे जुड़े और मई का 6 तारीख है और जब से दीपक सिंह जी आपसे जुड़े हैं आपका नाम एक भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह, ये नाम नहीं है, ग्राउंड लेवल पे सबसे ज्यादा बजने वाले गायक कोई है तो वो भोजपुरी इंडस्ट्री का पावर स्टार है, आपने ये तय कर दिया। अरे भाई ये आप सभी का प्यार है, आशीर्वाद खुदा का, और ये मेरा सौभाग्य है। दीपक सिंह से दोस्ती हमारा हो गई रे पगला 15 साल के, मान ले कि जहां प्रेम रहेला वो ये ना तनी खटकेला, लेकिन हम भाइयों में 15 साल से जो दोस्ती था है आगे आजीवन रहेगा। और वो जो आंसू के बारे में बोले ना, वो आंसू थोड़ी है पगला, वो तो हनी के देख के, हमारा के देख के, वो खुशी का प्यार है, वो मेरे भाई का दुलार है। लव यू दीपक। नमस्ते भैया। कल या परसों ये फिल्म हमारी पूरी हो जाएगी, ठीक है, उसके नेक्स्ट डे एक दिन गाना गाई और कल शाम तक लगता है कि मेरा दोस्त मेरा दीपक मेरे पास आ जाएंगे, ठीक है, तो आगे सैड सॉन्ग की तैयारी हो चुकी है, बस खाली ये फिल्मों के चलते हम गाना शूट नहीं कर पाओ, बट कल के बाद फिर हम पहले 2-3 गाना सैड ही सॉन्ग शूट करूंगा, इसके बाद मस्ती वाला गाना बात करने के लिए। फटाफट सवाल भैया, हमारा नाम रवि है, हमसे आपसे एक सवाल रही कि भोजपुरी में लगातार आप चर्चा के विषय बनावे, लगातार 2 महीने से बाधा चली, आप भोजपुरी के बारे में इतना अच्छा कहीं ना, तो आपके वजह से कई कलाकार के घर द्वार लगातार बंद हो जाएगी, तो ओकरे बारे में के सोची? भोजपुरी के बारे में इतना सोची ना, तो कलाकार के बारे में के सोची, जेकरा वजह से आपके वजह से जेकर घर द्वार के लगा लगातार एकदम बंद बाटे, उनके बारे में क्या सोची, उनका के क्या देखी भैया, काफी करता धरता वाली, तो बताइए उनके बारे में क्या सोची? नहीं लीडर आप भैया कुछ बोलिए कर बारे भाई। अरे पगला कहा था 2 महीने से भाई, अरे 32 साल से आवाज आता नहीं, ठीक है, अब बाकी मेरे भाई आप लोग उत्साह बढ़ाते हैं, ताकत देते हैं, प्रशंसा करते हैं, ये मेरा सौभाग्य है। बाकी जितने हमारे कलाकार हैं जेकर से हमारा बातचीत बा जेकर से नहीं खे, उन सारे कलाकार सब कलाकार के लिए पवन सिंह का इस माने मेरे तरफ से शुभकामना है और सबके लिए स्नेह है कि सबका गाना बजे, सबकी फिल्में चले और अपने अपने जीवन में सब लोग खुश रहे, एकदम मस्त रहे और कोई गलत नहीं। आज जो हम यूट्यूबर्स को यहाँ पे बुलाए हैं वो शख्स को मैं चाहता हूँ कि 2 लाइन कुछ बोले, दीपक भैया आप 2 लाइन कुछ बोले। मुझे लगता है कि भोजपुरी का पहला ऐसा लाइव कॉन्फ्रेंस होगा
कारण से आप उससे जुड़े हैं, और ये भी एक मजबूरी थी, पवन जी का क्लाइमेक्स का शूटिंग चल रहा था, वो काफी कोशिश कर रहा थे कि नहीं मुझे जाना ही है, आप उससे मिलना ही है, किसी का लाखों का नुकसान करके जाना भी अच्छा नहीं था। हम लोगों ने एक टेक्निक सोचा और पवन जी आपके सामने लाइव कॉन्फ्रेंस है, और ये मेरे लिए बहुत ही प्राउड की बात है, पवन जी ने बोला। मैं रियली में प्राउड करता हूँ, घमंड करता हूँ कि वैसा व्यक्ति जिसको पूरे विश्व में सब लोग प्यार करते हैं वो मेरा दोस्त है। एक ऐसा दोस्त होना भी मेरे लिए लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट है, मेरे लाइफ का सबसे बड़ी जीत है कि मेरा दोस्त कोई है तो पवन सिंह है। पवन जी जब हेलीकॉप्टर से आना आए थे तो हम लोगों ने पवन जी ने इस चीज को देखा कि यूट्यूबर भाग रहे हैं, किसी का चप्पल छूट रहा है, किसी को बाउंसर उठा कर फेंक दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इस स्थिति को देखते हुए पवन जी ने हमसे कहा कि नहीं, वो लड़के जो स्टेशन पे सो करके रात रात और पैदल चल के घर घर पहुंच करके एक कलाकार को घर घर तक पहुंचाते हैं, हर घर में घुसाते हैं, हर घर के लोग जानते हैं उस यूट्यूबर के, हम कोई प्रमोशन नहीं, कोई गाने का प्रमोशन नहीं, हम एक बार उनसे मिलना चाहते हैं। भावुक हो गए पवन जी, अब बोले उन लोगों से हम एक बार मिलना चाहते हैं और मिल करके उनके बारे में। और मुझे लगता है, मैं इसलिए नहीं कि पवन जी मेरे दोस्त है इसलिए मैं तारीफ कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आज के बाद मैं घमंड से नहीं बोल रहा हूँ, ये यकीन होगा कि आज के बाद मुझे उम्मीद है कि हर एक कलाकार आप सबका इज्जत और प्रतिष्ठा और मान सम्मान रखने का काम करेंगे। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, आज इस मंच से मैं बोलना चाहता हूँ कि आगे से पवन जी के किसी भी इवेंट में मैं देखता हूँ, पवन जी का हो या खुद छोटे कलाकार भी होते हैं, तो आप लोगों को कैमरा लगाने तक की जगह नहीं दी जाती है। आप लोग ऐसा दुखारा जाता है जैसे लगता है कि विदेश से लोग आए हैं, मतलब इस जोन के आदमी नहीं। तो मैं आप लोग आज इसी सारी यूट्यूबर को प्रॉमिस करता हूँ कि पवन जी का जहाँ भी मैं इवेंट करता हूँ वहाँ 16-17 लोग हम लोग जाते हैं, मेरे मेल पे मेंशन होता है कि हमारी टीम 16 लोग है, हम लोग को रहने का व्यवस्था ये हो जी। तो मैं आगे से आप लोग को प्रॉमिस करता हूँ कि जिस यूट्यूबर का भी मेरे पास मैसेज आएगा कि पवन जी का जैसे 11 जून को हजारीबाग में कार्यक्रम है, जहाँ जहाँ कार्यक्रम होगा आपको पता चल जाएगा वहाँ जाए, तो मैं आप लोग को प्रॉमिस करता हूँ उस मेल मेंशन होगा कि हमारे 20 यूट्यूबर को कैमरा लगाने का जगह और उनको एक बोतल पानी और एक नाश्ता का पैकेट हमारे जो ऑर्गेनाइजर प्रोवाइड करेंगे। ये मेरा आप लोगों से प्रॉमिस है, वो सारे मेल में मैं मेंशन करूंगा कि हमारे यूट्यूबर आ रहे हैं, उनको नाश्ता और एक बोतल पानी देने का काम करें। और आप लोग का अगर वो नहीं करेंगे तो अगर मेरा आप लोग को वो चीज प्रोवाइड करूंगा, लेकिन आप लोग के मान सम्मान और प्रतिष्ठा में कहीं भी पवन जी के तरफ से, मैं पवन जी के टीम के तरफ से बोल रहा हूँ कि उनका इवेंट मैनेज करता हूँ, पूरा प्रॉपर देखता हूँ कहाँ जाते हैं कहाँ आते हैं, मैं आप पवन जी के बिहाफ पे बोल रहा हूँ, उसके एब्सेंस में बोल रहा हूँ कि आप लोग के मान मर्यादा प्रतिष्ठा के लिए, क्योंकि आप लोग भोजपुरी के रीढ़ है रखेगी और इस चीज का पूरा पूरा जियो 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 सर, लव यू गौरी शंकर जी। भैया इस शब्द के लिए, दीपक भैया, पवन भैया, इस शब्द के लिए हम लोगों के पास कोई शब्द ही नहीं है आपके लिए, इतना प्यार और इतना मोहब्बत, एक हम यूट्यूबर के लिए आप जो देते हैं ना सम्मान, ये सम्मान कहीं नहीं मिली भैया, ये पावर स्टार। पवन जी सबसे पहले नमस्कार, कैसे हैं आप थोड़ा सा बताइए। नमस्ते भैया, बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरा नाम अभिषेक पांडे है और मैं जनरली तो भोजपुरी का वीडियो नहीं बनाता था, लेकिन मैं सर्च किया कि किसके बारे में वीडियो बनाया जाए, तो सब कुछ करने के बाद लास्ट में यही पता चला कि पवन सिंह ही है जिसके बारे में वीडियो बनाया जा सकता है। पवन सिंह का ही बनाता हूँ। अभी मेरा सवाल जो था, इन्होंने पहले उसको पूरा कर दिया है, यही मेरा सवाल, बहुत देर से मैं सोच रहा था कि ऐसा आपका पटना में भी हुआ था, वहां पे भी काफी लोग परेशान थे, अभी पहले ही बोल दूंगा कोई सवाल नहीं है, हालांकि एक मेरा रिक्वेस्ट है अगर आप पूरा करना चाहें तो, जो गाना आया था आपका फाटल हुआ उसका 2 लाइन हम चाहेंगे सुनना लाइव, कभी नहीं सुना आपको, इसलिए मैं चाहता हूँ थोड़ा सुनना। तैयारी दूसरा गाना भी चलेगा अगर दिक्कत है तो, बस लाइव सुने, बस गाना एक बार बजाओ तो लेंगे का बजा दीजिए भैया वहां से। फराक चोट फूटा से फाटल हुआ, भैया सिनेमा
प्ले कर दीजिए भैया वहां से। ए, रुको रुको रुको, एक ही आदमी बजा। ये देखिए सारे चीजों को फूलते हुए सिर्फ अपने विकास पे ध्यान दे, अपने काम पे ध्यान दे, अपने तरक्की पे ध्यान दे, इसके आगे पीछे कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है? बस मेहनत करिए, अपने अपने जीवन में आगे बढ़िए। फिर भी जो इस गाने के लिए हुआ उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे? अब क्या कहें, आप तो सर बेद हो जाए, चुपे रहे। मेरा सवाल जानवी दुबे जी से है, क्योंकि भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह को सब कोई जानता है, लेकिन भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के साथ जिसका नाम जुड़ जाता है वो भी सुपर स्टार बन जाता है। तो मेरा सवाल जानवी दुबे से है कि जानवी दुबे जी, भोजपुरी में आपने पहली बार काम किया वो भी भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के साथ, तो कैसा फील हुआ और भोजपुरी के महानायक के साथ काम करके कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लगा। और हेलो, भैया के कॉलर में जो माइक है तो आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? अब आ रही है, अब आ रही है। तो सर के साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा और सर ने मुझे चांस दिया, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। और सर मतलब मैं बहुत उनकी फैन तो थी पर गाना बहुत पसंद करती थी इनका, और बचपन से मतलब डांस करती थी, तो मुझे चांस मिला और अच्छा भी लगा। और ये गाने को आप इतना प्यार करिए, इतना दीजिए, सपोर्ट करिए कि बस सब। थैंक यू सो मच। जानवी दुबे जी आप पवन सिंह जी के साथ पहला काम कर रही हैं, कैसा लगा काम भाई? एक ही लोग सवाल ना करें, कुछ और भी लोग खड़े हैं यहाँ पे, उसको भी सवाल का मौका दिया। एक ही लोग ऐसे लग रहा है कि माइक लेके खड़ा है। भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत ही बड़े स्टार है, उनके साथ आपको काम करने कैसा लगा, कैसा लग रहा? मुझे तो लगा ही नहीं था कि सर के साथ मुझे काम मिलेगा, मतलब मैं उनको कभी मतलब नहीं होता फेस टू फेस देख पाऊंगी, लेकिन ये चांस मुझे मिला, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।
श्रवण भैया नीचू बोल रहा हूँ भोजपुरी बासिंद से। तीन सांसद है हमारे, चर्चा का विषय आपका भी है और आप पॉलिटिक्स में क्या जाने वाले हैं, क्योंकि सरगर्मी पूरी इंडस्ट्री में लगी हुई है। जिस तरीके से कंट्रोवर्सी हो रहा है कि भाई आप जाएंगे बीजेपी आरजेडी, हालांकि बीजेपी की तरफ से ज्यादा मूवमेंट दिखने को मिल रहा है, आप क्या वाकई में तीसरे के बाद चौथा आप होने वाले हैं क्या? देखिए बाबू, आपको भी नमस्ते। मैं आपको भी देखा हूँ, आपको भी देखता हूँ मैं। थैंक यू भैया। ठीक है, ये बहुत खुशी की बात बा कि हमार मनोज भैया, रवि भैया, हमारे परम मित्र दिनेश लाल यादव जी सांसद बानी जाए, सांसद बानी, तो ये हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है। चौथा नंबर अगर तू बोलिए देना है तो मैं देखिए कलाकार के नाते इतना ही बोलूंगा कि मेरे ऑडियंस ही मुझे गायक बनाए, मेरे ऑडियंस ही मुझे अभिनेता बनाए, और नेता भी अगर बनाना होगा तो आप ही लोग बनाएंगे, हमारी जनता ही बनाएंगे। ठीक है, सब आप ही लोगों के हाथ में। मैं जो कुछ भी जीवन में हूं और जो भी बनूंगा सब आप सबके आशीर्वाद से। राजनीतिक में आने वाले हैं, आरा से होने वाले या बिहार से या यूपी से? अरे सब समय तो सब दिखी नू अभी कहा। हाँ प्रणाम प्रणाम। अरे भाई लव यू, थैंक यू सो मच मेरा बाबा। अरे ये हमारे, ये मेरे भाई का प्यार बोल रहा है। अच्छा बोले पहले दे प्रिया अपना सिर। लव यू टू मेरा भाई। बस बस तोरा कोई बोला के जरूरत नहीं के, तो भावे बहुत था। मत बोलते सुन, सवाल मत करिया मरा। हाँ हाँ सांसद साहब सलाम। नमस्ते मेरा भाई। आपसे सवाल करो उतना अभी नहीं है, सवाल क्या करना है? सवाल मेरी है, सवाल मेरी है तो कर लिए। आपसे सवाल कुछ नहीं, हमने समझो मिलेंगे। हाँ थैंक्स 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 ब्रो, ये बहुत ऐसे मतलब मेरे साथ है। हाँ सबसे पहले पवन भैया को प्रणाम हमारा तरफ से। भैया हम एकदम छोटे यूट्यूबर हैं, जब हमारा यूट्यूब पर वीडियो बनाना नहीं आता था ना, तो हम पापा को बोलते थे कि पापा इससे पैसा आता है वीडियो बनाने से, तो पापा मारे थे हमारे घर में, दो दिन खाना तक नहीं बनी थी, लड़ाई हुआ था कि कहो यूट्यूब पर वीडियो बनाने से पैसा मिलता है, रुतक ना रहा उसको, ऐसे पापा बोले थे। आज के डेट में पापा को कमा करके महीने का 1-1.5 लाख रुपए देते हैं, वही पापा आज हमारा वीडियो भी देखते हैं, और आपके घर हम गए थे 17 लाख लोग सिर्फ आपका घर का वीडियो, और आपका कहीं भी इवेंट हो या स्टेज हो वहां सबसे पहले हम पहुंचते हैं, कहीं भी हो चाहे 1 दिन लगे 5 दिन लग जाए हम वहां जाते हैं, भले एंट्री मिले या ना मिले गेट पर खड़ा होकर रोने पड़ता है, स्टेशन तो सूख के जाते हैं तो बात की बात है, लेकिन आपका जहां भी कुछ हो वहां पहुंचते हैं भैया। बहुत बहुत शुभकामना बाबू, आप अपने जीवन में खूब तरक्की करें, बहुत आगे बढ़े, लव यू। और हमारे जितने भी यूट्यूबर थे और किन्हीं का अगर सवाल बचा समिलाते आज हो जाए, अभी शूटिंग हो जाए के बाद। हेलो हेलो बहुत तिवारी यार, हर गंगे का टीजर कब आ रहा है? हर हर गंगे का टीजर ई क्या हर गंगे का टीजर कब लॉन्च हो रही है? जाना कंपनी से, जाना चैनल से, यूट्यूब चैनल से अभी गाना रिलीज भइल है, फराक फाटल बा, सिनेमा आर्ट्स
चैनल से हर हर गंगे फिल्म का टीजर जो है वो आप सबके बीच में 14 तारीख को आ रहा है। ठीक है, मेरा नाम अनमोल तिवारी है, आप मीडिया से हमें। मेरा सवाल यह है कि जैसे कि ये गाना जो आपका 6 तारीख को आने वाला था, यानी आज कल ही गाना रिलीज हो गया, गाने का पोस्टर भी रिलीज नहीं हुआ था, ना ही टीजर, फिर भी एक गाना आया, इस चैनल के बारे में भी लोग नहीं जानते थे, एनॉन चैनल से गाना आया, गाना आते ही ब्लॉक मास्टर हो गया, बवाल मचा दिया, गाना गाने की बात की गई थी आपसे, गाया नहीं, चाहे कि गाना ही सुना दीजिए, इस पर कुछ बोलिए नहीं, नहीं तो जूते में बवाल हो जाए। अरे ये अपने सवालियों को ऐसा अपने जवाब दो। ठीक जवानी तो हर जाता से जाता जवानी तो हर जाता से जाता फरक है खूटा से फाटल बा। जी दिन भर चिल्लम चिली का के एक्शन कइले बनी ना तो तनी अवधि हला गइल बा, दूसरे मैटर मत बने यार। ओके एक एक और सवाल है, बहुत देर से ये हमारे साथ है, सो प्लीज पेटेंट डायलॉग के साथ मैं इनको कंसंट्रेट करना चाहूंगा, कैमरामैन लगातार फोकस करते रहे, रेड शॉट मनीष जी कंटिन्यू से। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, प्रणाम, आदाब सर। और लाखों के भीड़ होता है और उसमें हम बांसुरों के थाकत में हैं,
लगातार प्रयास किए हैं कि तस्वीरें आपको कौन सी हमारा दर्शकों के दिखाना बहुत जरूरी है। हाँ। कैसे हेलीकॉप्टर साहब कैमरा इस्तेमाल कर जाते हैं, माइक कैमरा लेके नहीं भी गए थे। अच्छा मैं
एक मिस कर रहा था, तो आप 10 मिनट आपका टाइम लेंगे, दो तीन बिल बनेगा इधर से, और बाकी कुछ गिफ्ट आया है सीएम आर्ट की तरफ से, मैं सारे यूट्यूबर को आपके सामने डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, जो उनको फील होगी आप ही दे रहे हैं। गाना प्ले करो, आप लोग भी देना चाहिए, आप लीजिएगा 5 मिनट तक, ऐसा करिएगा कि दोनों लोग आ जाए और हमारी यूट्यूबर भाई आप कहीं जाए नहीं। बंद कर दे भैया, ये ने कैसे हुई हो? जितने भाई हमारे आप सब प्यार बरसा रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, आप सभी को दिल से प्रणाम। ठीक है, सब भाई एकदम, हम सब मिलके एकदम खुश रहें, जा हर कोई खुश रहे, सब कोई मस्त रहे, लव यू ऑल। ठीक है, तनी जा तनी शूटिंग बारात भर आप ही सबके आशीर्वाद से, लव यू सबके, प्रणाम। जी भैया, ठीक है, और सेंड कर दूंगा।